राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने राजनांदगांव व दुर्ग के नेताओं की दावेदारी मामले पर कहा कि दावेदारी करने में दिक्कत नहीं है, पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। इस क्रम में मंत्री कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं। कुछ गांव में खोजने पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी के ट्वीट पर डहरिया ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, बीजेपी ने हरियाणा जीता है लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर जीता है, आने वाले समय में कांग्रेस और बेहतर काम करेगी। वहीं महतारी सदन के निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा कि ग्रामों में महतारी सदन की जरूरत है, महिलाओं को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ग्रामों में इसकी ज़रूरत तो है और महिलाओं को सम्मान हमेशा मिलना चाहिए। और जो गांव में सामुदायिक भवन बनते थे उसी का नाम बदल के इन्होंने महतारी सदन रख दिया, बस इतना ही तो अंतर किया है, बाकी कुछ तो है नहीं उसमें, कोई नई बात है नहीं। ग्रामों में जो सामुदायिक भवन बनता है उसी राशि से उन्होंने महतारी सदन बनाने का नाम बदल कर किया है, बस इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं।